हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिश्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस के मिश्री पे। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, असंग जनन। जी हां, क्या होता है असंग जनन, हर एक मैं पॉइंट को कवर करवाने वाला हूं। सबसे पहले सुनिएगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, नहीं तो इसका पीडीएफ पूरा पूरा मैं चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एस के मिश्री भेज दिया हूं। आप कहेंगे सर एस के मिश्री टेलीग्राम का लिंक, या लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, वहां से डाउनलोड करके अपनी पीडीएफ को पूरी पढ़ाई कर सकते हैं बिना एक रुपए दिए हुए। कोई दिक्कत आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और अच्छे से मैं समझा के आपको बता दूंगा। किसी प्रकार से एसके मिश्री तरफ से आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसलिए प्लीज यार सपोर्ट एसके मिश्री चैनल। और मुझे पता है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, और सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे असंग जनन, ये असंग जनन होता क्या है, तो सीधा सा आप ये समझ के चलिए कि आप आटे का यूज किए बिना रोटी बना दीजिए, वही क्या हो जाएगा असंग जनन। अब कहेंगे गुरुजी ये तो कोई संभव है ही नहीं कि हम लोग आटे का यूज करके रोटी बना दें, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं बोलूं कि चलिए बिना बिना दूध का यूज किए चाय बना दीजिए, तो कहेंगे हाँ असंभव है सर, कैसे बनेगा, अरे हम दूध नहीं डालेंगे, हम लोग चाय में बस चाय डाल देंगे और नींबू निचोड़ देंगे तो नींबू वाला चाय बन जाएगा, तो वो तो चाय काली बन गई ना। तो उसी प्रकार असंग जनन होता है, यानी कि इसमें बिना निषेचन के क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और उसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। क्या होता है, असंग जनन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं असंग जनन क्या होता है। आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये असंग जनन क्या होता है भाई साहब, तो सीधा लिखेंगे, जब बिना निषेचन के भ्रूण और बीज का निर्माण होता है तो इसे असंग जनन कहा जाता है। यानी कि जब बिना निषेचन के ही भ्रूण का और बीज का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए। बीज का निर्माण कहाँ से होता है, बीज का निर्माण कहाँ से होता है, तो कहेंगे सर बीजांड से होता है। कहाँ से होता है, बीजांड से होता है। और फल का निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रखना अंडाशय से होता है। कहाँ से होता है, अंडाशय से होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और बीज ही किसको, बीज के अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, जो कि बीज की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तब तक सुरक्षा करता है जब तक यह अंकुरित नहीं हो जाता। असंग जनन जनन की एक विशिष्ट विधि है, जैसे कि घास, घास में क्या होता है, तो घास में असंग जनन होता है। घास में क्या होता है, असंग जनन होता है, ये चीज याद रखना। असंग जनन का मतलब है ही कि बिना निषेचन के ही भ्रूण तथा बीज का निर्माण हो जाना असंग जनन कहलाता है। असंग जनन आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है बीजाणु उद्भिद असंग जनन, और दूसरा होता है युग्मकोद्भिद असंग जनन। ये बीजाणु उद्भिद असंग जनन क्या होता है, अब युग्मकोद्भिद असंग जनन क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। तो बीजाणु उद्भिद असंग जनन क्या होता है, तो बीजाणु की बीजाणु उद्भिद कोशिका अर्थात अध्यावरण या बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका से बिना निषेचन भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे बीजाणुविद असंग जनन कहते हैं। यानी कि बीजाणु की बीजाणुविद कोशिका से, बीजाणु की बीजाणुविद कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होना क्या कहलाता है, आपका बीजाणुविद कहलाता है, या फिर आप अध्यावरण भी बोलते हैं, या फिर बीजांड काय, बीजांड यहाँ पे बीजांड रहेगा, बीजांड काय की द्विगुणित कोशिका से। तो इसके दो तीन नाम दे सकते हैं, तो आप एक छोटा सा परिभाषा बना सकते हैं कि बीजाणु की बीजाणुविद कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणुविद असंग जनन कहा जाता है। इसमें बनने वाला भ्रूण क्या होता है, द्विगुणित होता है, यानी कि टूयन के रूप में होता है। इसमें जो बनने वाला बीज होता है वो किसमें होता है, द्विगुणित होता है। युग्मकोद्भिद असंग जनन क्या होता है, इसमें देखिए क्या लिखेंगे, जब भ्रूण कोष की कोई भी अगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है तो इसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं, और ये प्राय क्या होता है, अगुणित होता है, यानी कि एन के रूप में होता है। तो जब भ्रूण कोष की कोई भी अगुणित कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है तो इसे युग्मकोद्भिद असंग जनन कहते हैं, और ये क्या होती है आपकी, यह अगुणित होती है, यानी कि एन के रूप में होती है। अब इसी में एक आता है आपका अपस्थानिक भ्रूणता। ये अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, तो जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद्भिद को छोड़कर किसी अन्य बीजाणुविद कोशिका से होता है, अर्थात किसी दूसरे स्थान से होता है, तो उसे हम लोग अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं, ठीक है ना। बीजाणुविद असंग जनन अपस्थानिक भ्रूणता का क्या होता है, उदाहरण होता है। जो बीजाणुविद असंग जनन होता है यह अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, उदाहरण होता है।
असंगठन का महत्वपूर्ण योगदान बागवानी और कृषि में किसानों के लिए होता है। तो असंगठन का महत्वपूर्ण योगदान किस में होता है? बागवानी में होता है, और किस में होता है? कृषि में होता है। अब यहाँ पे अगर एक चीज देखेंगे तो युम्कोद्भिद असंगठन के प्रकार, युम्कोद्भिद असंगठन कितने प्रकार के होते हैं अगर ये आपसे पूछा जाए, उसमें आप क्या लिखेंगे कि युम्कोद्भिद असंगठन सर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सीधा लिखेंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अनिषेक जनन और दूसरा होता है आपका अपयुग्मन। एक एक करके मैं पूरा पूरा आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप टेलीग्राम है हमारा, वहां से आप पीडीएफ जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स है, इंस्टाग्राम आईडी, वहां पे आप लोग कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो भ्रूण कोष की अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, जिसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। यानी जो भ्रूण कोष होती है, इसकी अंड कोशिका होती है, भ्रूण कोष की अंड कोशिका से बिना निषेचन के क्या होना? भ्रूण का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन क्या होता है? यह अनिषेक जनन युम्कोद्भिद असंगजनन का क्या होता है? प्रकार होता है। और युम्कोद्भिद असंगजनन क्या होता है? मैंने इसका परिभाषा आपको ऊपर बता ही दिया है। और ये दो प्रकार के होते हैं, अनिषेक जनन और अपयुग्मन, ठीक है ना। अनिषेक जनन भ्रूण कोष की अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, जिसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। और अपयुग्मन क्या होता है? अंड कोशिका से अलावा, अंड कोशिका के अलावा भ्रूण कोष की कोई भी अगुणित कोशिका अर्थात प्रतिमुखी कोशिका या सहायक कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, जिस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? अपयुग्मन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं, ठीक है। तो अनिषेक जनन और अपयुग्मन क्या होता है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई दिक्कत आ रही तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे? पूछ लेंगे। कोई दिक्कत आ रही तो आप लोग तुरंत आप लोग क्या करिए? पूछ लीजिए। तो यहाँ पे असंगजनन क्या होता है और असंगजनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज मैंने यहाँ पे अच्छे प्रकार से, अच्छी तरह से डिस्कशन किया है। असंगजनन बिना निषेचन के ही भ्रूण का और बीज का निर्माण हो जाना असंगजनन कहलाता है। असंगजनन देखेंगे तो जनन की एक विशिष्ट होती है। अब जो जनन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक आपका लैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका क्या होता है? आपका अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन जिसमें केवल केवल एक जनक भाग लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग, एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूं, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं और जिसमें एक जनक भाग लेता है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसमें दो जनक भाग लेते हैं। तो असंगजनन आपका यह क्या होता है? यह भी एक विशिष्ट प्रकार का क्या होता है? जनन होता है। तो यहाँ पे असंगजनन, अपयुग्मन मैंने बता दिया क्या होता है, किसे कहते हैं, बीजाणुभिद असंगजनन क्या होता है, युम्कोद्भिद असंगजनन क्या होता है, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ मैंने कवर किया है आपका, और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। सो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।